समुद्र का किनारा हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन जो समुद्र के किनारे हैं, जो तट हैं, इनके भी कई प्रकार होते हैं और ये ना केवल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में बल्कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हम लोग कोस्ट कहते किसे हैं, तट का मतलब क्या होता है? दोस्तों, समुद्र के किनारे की जो जमीन है हम उसे ही तो तट कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। लेकिन ये कोस्ट भी ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सबमर्ज कोस्ट और एक होता है इमर्ज कोस्ट, यानी कि जलमग्न तट और उन्मग्न तट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले तो आप इस चित्र को देखो जो सबसे ऊपर है। यहाँ पे एक साधारण रूप दिखाया गया है कि भाई ये जमीन है और यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि जमीन का स्तर कैसा हो, जमीन का स्तर ऊंचा हो जाए, जमीन उपज ऊपर उठी हुई है और जो समुद्र है वो नीचे है, तो इसे हम कहते हैं कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस, उन्मग्न तट है। ये जो जमीन है वो उठी हुई है और इसी की बजाय अगर जमीन पानी के नीचे धसी हुई हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जलमग्न तट। जो जल है वो तट के ऊपर तक आ रहा है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहते हैं। अब दोस्तों, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है ना, ये भी आगे कई प्रकार की होती है, जैसे रिया कोस्ट, फियोर्ड कोस्ट और डालमेशियन कोस्ट। तो चलिए हम लोग इन्हीं तीनों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जो रिया शब्द है ना दोस्तों, रिया एक तरीके का एक लैंडफॉर्म है। ये एक तरीके की ऐसी भूआकृति है जो आपको समुद्र के किनारे दिखाई देती है। रिया इज अ कोस्टल लैंडफॉर्म दैट वाज वंस अ रिवर वैली, जहां पर कभी नदी बहा करती थी वह घाटी ही भविष्य में जाकर रिया का रूप ले लेती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो रिया तट है, जो रिया है, वो हमेशा नदियों के माध्यम से बनते हैं, कभी भी हिमनद के या ग्लेशियर के माध्यम से नहीं बल्कि रिवर के माध्यम से बनते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब जो नदी है वो समुद्र से मिलती है, मतलब धीरे 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 धीरे, मान लीजिए कि इस तरीके से जो नदी है वो उसके सामने जाकर वो जाकर के समुद्र से मिल रही है। लेकिन जो समुद्र है उसमें आप लोग देख रहे हो कि जो चट्टानी टुकड़े हैं, जो चट्टान है उसको तोड़ती हुई, उसका अपरदन करती हुई मिलती है ना वो समुद्र से, तो वो उसका अपरदन कुछ इस तरीके से करती है कि हमें एक पेड़ की शाखाओं जैसी आकृति दिखाई देती है। तब हम कहते हैं दोस्तों कि ये क्या है, ये एक रिया कोस्ट है, ये एक रिया तट है। इस तरीके के जो एग्जांपल है ये आपको जगह जगह मिल जाएंगे, स्पेशली अगर आप आयरलैंड के आसपास देखोगे तो भी आपको ये एग्जांपल आसानी से मिल जाएंगे। आप एक बार इस चित्र को देखिए, ये जो रिया कोस्ट का एग्जांपल है ना, आप देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा समुद्र का इलाका है और यहाँ पर जो नदी है वो इस तरीके से प्रवेश कर रही है इस डायरेक्शन में। तो नदी जब प्रवेश कर रही है ना तो इन चट्टानों का अपरदन कर रही है। अब भाई ये पानी है तो पानी क्या करता है, पानी को थोड़ी सी जगह चाहिए, वो यहाँ से इस तरीके से अंदर घुस जाएगा। तो ये क्या है, ये है दोस्तों रिया तट। ये क्या है, ये है रिया तट। ये जो एक एक आकृति बनी है ना इसे हम रिया कहते हैं और ऐसी बहुत सारी आकृतियां हमें दिखाई देती है रिया तट पर। रिया कोस्ट इज अ कोस्ट लाइन दैट हाउसेस सेवरल रिया फॉर्मेशन। इस एक एक को हम रिया बोल रहे हैं और ऐसे बहुत सारे रिया आपको दिखाई देते हैं तट के किनारे, जब नदी अपरदन करती है चट्टानों का। अब दोस्तों, इसी का विपरीत है फियोर्ड कोस्ट। फियोर्ड कोस्ट में आपका जो मेन कीवर्ड है वो है हिमनद, ग्लेशियर। दोस्तों, फियोर्ड कोस्ट बनते हैं ग्लेशियर के माध्यम से, हिमनद के माध्यम से। आप लोगों को मैंने हमेशा फिजिकल ज्योग्राफी में यह पढ़ाया है कि जो बर्फ की नदियां होती हैं वो भी समुद्र में प्रवेश करती हैं, जो हिमनद है वो भी अंत में जाएगी तो सी में ही। तो दोस्तों, जब ये हिमनद समुद्र में प्रवेश करती है ना तो पहली बात तो जो नदी है वो वी आकार की घाटी में बहती है और जो हिमनद है वो यू आकार की घाटी में बहते हैं। जो हिमनद है वो काफी चौड़े चौड़े होते हैं, तो जब ये समुद्र में मिलते हैं ना तो क्या होता है, जब ये समुद्र में मिलते हैं तो ये चट्टानों का जो अपरदन है ये काफी ज्यादा चौड़ाई से करते हैं। इस तरीके से ये समुद्र में जाता है पूरा का पूरा जो हिमनद है और फिर धीरे धीरे टूटता है। तो यहाँ पर ये किस तरीके के तटों का निर्माण करता है, यहाँ पर ये निर्माण करता है फियोर्ड कोस्ट का। जैसे कि आप इस चित्र को, ये जो रिया वाला है, इसको कंपेयर करो इससे, भाई इसका प्रोनंसिएशन फियोर्ड है, भले स्पेलिंग में जे आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से जो हिमनद है वो प्रवेश कर रहा है तो आप देखो इसने कैसा चौड़ा चौड़ा अपरदन किया है ना, क्यों, क्योंकि वो हिमनद ने किया है ना, इसीलिए वो ग्लेशियर ने किया है। अब दोस्तों, एक और तट होता है जिसे हम नाम देते हैं डालमेशियन तट। डालमेशियन तट कब दिखाई देता है दोस्तों, जब हम लोगों को दिखाई देता है कि ये समुद्र है, इस समुद्र में बहुत सारी नदियां प्रवेश कर रही हैं, पर
और दोस्तों समुद्र के समानांतर ही क्या है, समुद्र के पैरेलल, समुद्र के समानांतर। भाई ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने ब्लू कलर से पहाड़ बना दिए और रेड कलर से समुद्र। चलो सो मान लीजिए कि ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो माउंटेन रेंज है, ये कैसी है, ये दोस्तों समुद्र के पैरेलल है, ये सी के पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमें डालमेशियन तट दिखाई देते हैं, जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई देता है युगोस्लाविया के आसपास, स्पेशली जब आप क्रोएशिया को देखते हैं ना, यूरोप में जब आप बलकान पेनिनसुला में आते हैं और क्रोएशिया को देखते हैं, तो उसके किनारे किनारे आपको डालमेशियन तट दिखाई देते हैं। डालमेशियन तट कब दिखेंगे, जब समुद्र के पैरेलल समानांतर आपको माउंटेन रेंज में। सो आई होप आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा रिया तट, फियोटकस तट और डालमेशियन तट का। चलिए दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी मेरी किसी प्लस क्लास में या फिर मेरी फ्री स्पेशल क्लास में। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस रोज 3:30 PM पर होती हैं। दोस्तों ये साल अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता अभी भी बाकी है और वो है अनअकैडमी ज्योग्राफी चैंपियनशिप, जहां आप मेरे यानी कि अपूर्वा राजपूत के साथ 18 से 22 दिसंबर तक रोजाना 3:30 बजे जुड़ेंगे स्पेशल यानी कि फ्री क्लासेस में, जहां आप मेरे साथ करेंगे भूगोल मंथन, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यूज। और इन एमसीक्यूज में जब आप पोल के माध्यम से फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड रैंक प्राप्त करेंगे, तो शीर्ष 3 विद्यार्थियों को, टॉप 3 विनर्स को, जो कि स्पेशल क्लास फ्री क्लास लर्नर्स होंगे, उन्हें मिलेगा एक स्पेशल प्राइज, और वो प्राइज होगा अनअकैडमी के नोट्स, अनअकैडमी की 20 किताबों का सेट, जिनमें आपके यूपीएससी का सिलेबस कवर होगा। सो अभी एनरोल कीजिए इन क्लासेस में।